अधीर रुक कर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कोलकाता में आज सामूहिक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। नई दिल्ली में खेल मंत्रालय ने WFI की नई बॉडी को किया सस्पेंड। खेल मंत्रालय द्वारा WFI के निलंबन के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं संजय सिंह। WFI के निलंबन पर बोली गीता फोगाट, उम्मीद की किरण जगी है कि पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। न्यूज क्लिक केस में विदेशी फंडिंग को लेकर गौतम नवलखा से मुंबई जाकर दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। पंचकुला में माचिस की तीली ने ली 2 साल के मासूम की जान, दम घुटने से बच्ची की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने रिटायर्ड SSP की गोली मार कर की हत्या। शराबबंदी पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में शराब की छूट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 656 नए मामले आए सामने, एक मरीज की हुई मौत। केरल यूथ कांग्रेस का कन्नूर में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पंजाब राजस्थान समेत देश के कई इलाकों में घना कोहरा, अमृतसर और गंगानगर में जीरो विजिबिलिटी। अफ्रीकी देश बुरुंडी में गोलीबारी, हमलावर ने 20 लोगों की हत्या की। नेतन्याहू से बातचीत के बाद बाइडेन ने दी सफाई, युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। अमेरिका का दावा, भारत की समुद्री सीमा के पास जहाज पर हुए अटैक में ईरान शामिल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।